आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने आवास से त्योहारों के दृष्टिगत प्रदेश की कानून व्यवस्था, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से शुरू हो चुके धान खरीद एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवम्बर से शुरू हो रहे धान खरीद, स्वच्छता अभियान, गोस्थलों की स्थिति तथा लखीमपुर खीरी की घटना और आसपास के जिलों की समस्याओं की समीक्षा। कहा, तैयारी रहे पूरी, न होने पाए कोई चूक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्युत आपूर्ति, विद्युत चोरी, त्रुटिपूर्ण मीटर रीडिंग सहित विद्युत विभाग के अन्य कार्यों की समीक्षा। त्योहारों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के दिए निर्देश। कहा, लापरवाही बर्दाश्त नहीं। जनपद के ब्लॉकों की कार्यशैली का जिलाधिकारी ने लिया जायजा। जंगल कौड़िया ब्लॉक का किया स्थलीय निरीक्षण, व्यवस्था से दिखे संतुष्ट। थाना खजनी में विभिन्न धाराओं में वांछित फरार अभियुक्त रविंद्र निषाद के घर पुलिस ने पिटवाया डुगडुगी। निर्धारित समय तक न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर कुर्की के दिए निर्देश। आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसपी सिटी के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में किया फ्लैग मार्च। कहा, त्योहारों को संपन्न कराने के लिए बनाई गई है अस्थायी चौकियां, सुरक्षा के पूरे हैं इंतजाम। नवरात्रि में उच्च शिक्षा के मंदिर की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 13 अक्टूबर को जंगल कौड़िया में महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय का करेंगे लोकार्पण। इसी सत्र से शुरू होगी पढ़ाई। शैक्षिक व शैक्षणिक कर्मी हुए नियुक्त, 400 से अधिक छात्रों ने लिया प्रवेश। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को जिला अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। राज्यसभा सांसद सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने योजना के 25 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड का किया वितरण। सीएमओ ने कहा, जनपद में अभी तक 40,000 नागरिकों को आयुष्मान कार्ड का मिल चुका है लाभ। घर घर कोविड टीकाकरण के लिए 30 टीका एक्सप्रेस वाहन को एडीएम सिटी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, अब सुदूर क्षेत्रों में टीका एक्सप्रेस के माध्यम से हो सकेगा कोविड का वैक्सीनेशन। एसपी सिटी सोनम कुमार के नेतृत्व में कैंट पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ जांची न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था। कहा, संदिग्ध व्यक्तियों व संदिग्ध वस्तुओं के दिखने पर पुलिस को तत्काल दे सूचना। शारदीय नवरात्र के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में चल रहे दुर्गा पूजन के 6वें दिन देवी मां कात्यायनी की गई आराधना। आरती के बाद किया गया प्रसाद का वितरण। जनपद में सोमवार को जिला अस्पताल सहित 174 केंद्रों पर कुल 25,003 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 13,872 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 11,131 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका, जीत का। और विश्व हिंदू परिषद के दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति संगठन के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को दुर्गा अष्टमी एवं शस्त्र पूजन का हुआ आयोजन। कहा, शस्त्र पूजन का अर्थ है शक्ति की आराधना।